पेपर पढ़ रहे हैं क्या जी? क्या सर जी, मीडिया तो सरकार के गोद में बैठा हुआ है, क्या फायदा है? सही बोले, बिल्कुल सही बोले रंगीला। वैसे सर जी, आजकल ना रूम पार्टनर से हिसाब किताब कीजिए तब पता चलता है कि महंगाई कितना बढ़ गया है। अच्छा सुने हैं सर जी कि अमित भाई का 50 रुपये बकाया है आप पे। क्या बात करते हो रंगीला, कल सरसों का तेल हम लेके आए 200 रुपये का, तो हम थोड़े पैसा देंगे, वो देगा। सर जी सरसों का तेल बड़ा महंगा हो गया, सैम जी बता रहे थे कि 200 रुपये लीटर हो गया और 150 रुपये बकाया है उनका आप पे। छोड़ यार, मैं तो रोटी बनाता हूँ, वो साला बस चावल बना के सो जाता है। सर जी हम मानते हैं कि रोटी बनाने में ज्यादा भार लगता है, लेकिन आप खाली चावल बना के सो जाते हैं, ऐसा अमित जी कह रहे थे। तो बर्तन कौन धुलता है? हम साला बर्तन भी धुले और रोटी भी बनाए, वो तो सिर्फ दिन भर लैपटॉप लेके बैठा रहता है। क्या अमित सर, आप सिर्फ लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं? पढ़ाई करते हैं रंगीला। सैम सर, अमित सर सिर्फ लैपटॉप लेके बैठे नहीं रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई? हाँ जी सर जी। और पढ़ेंगे भी, लेकिन उसका बात मत करिए, रूम छोड़ चुका है। छोड़ दिया है? तब तो सर जी आपको अकेले रहना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, कल सनी आ रहा है, मौसी का लड़का। सनी आ रहा है सर जी? लेकिन सनी नाम अच्छा नहीं है, उसे थोड़ा सावधानी रहिएगा, सनी का सरसाती कब चढ़ता है पता ही नहीं चलता है। बस बने कह रहे थे सर जी।